नमस्कार, मैं शिवानी और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। शहर की मशहूर चौधरी मिष्ठान भंडार की दुकान पर खाद्य विभाग की छापामार कार्यवाही। चिरौंजी की बर्फी के लिए सैंपल। प्रदेश के मुख्यमंत्री के बाद लगातार खाद्य विभाग की कार्यवाही जारी है। इसी क्रम में खाद्य विभाग की टीम ने शहर के मिष्ठान भंडारों पर आज छापामार कार्यवाही की, जिसमें सागर शहर की मशहूर चिरौंजी की बर्फी की दुकान चौधरी मिष्ठान भंडार पर छापामार कार्यवाही की। इस दौरान खाद्य विभाग की टीम ने चिरौंजी की बर्फी और घी के सैंपल लिए। हवाई खाद्य अधिकारी राजेश राय का कहना है कि पूरे सागर जिले में खाद्य विभाग द्वारा खाद्य वस्तुओं के सैंपल लिए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज शहर के मिष्ठान दुकानों पर भी सैंपल लिए और चौधरी मिष्ठान भंडार पर भी चिरौंजी की बर्फी और घी के सैंपल लिए गए हैं और यह नमूने प्रयोगशाला में भेजे जाएंगे और जो भी विश्लेषण रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। सागर से अनिल वर्मा के साथ सलमान कुरैशी की रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। नमस्कार। आपने जो छापामार कार्रवाई की, इसमें क्या सैंपल पाए और कहां कहां आपने छापामार कार्रवाई की, क्या आपने कार्रवाई की है? अभी लगभग 4:30-5 बजे में यहां उपस्थित हुआ और उसके बाद से ये टीम वहाँ पर क्या नाम है बीकानेर मिष्ठान भंडार पर कार्रवाई कर रही है सैंपलिंग की, और मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। और यहाँ पे चिरौंजी बर्फी का सैंपल लिया गया है, चिरौंजी का लिया गया है और घी का लिया गया है। सर, अभी कुछ सामने तथ्य निकल के आए, इसमें कुछ मिलावट हो सकती है? इसमें कुछ मिलावट भी हो सकती है? इसके तथ्य निकल कर सामने आए अभी कुछ? जो संभावित चीज़ें थी जो हमें शंका प्रद लगी उनको हमने नमूने ले लिए हैं और उसमें जो भी रिपोर्ट आएगी, विश्लेषण रिपोर्ट आएगी, उसके अनुसार आगे कार्रवाई की जाएगी। आपने जो छापामार कार्रवाई की, इसमें क्या सैंपल पाए और कहां कहां आपने छापामार कार्रवाई की, क्या आपने कार्रवाई की है? अभी लगभग 4:30-5 बजे में यहां उपस्थित हुआ और उसके बाद से ये टीम वहां पर क्या नाम है बीकानेर मिष्ठान भंडार पर कार्रवाई कर रही है सैंपलिंग की, और मैं यहां पर कर रहा हूं। और यहां पर चिरौंजी बर्फी का सैंपल लिया गया है, चिरौंजी का लिया गया है और घी का लिया गया है। सर, अभी कुछ सामने तथ्य निकल के आए, इसमें कुछ मिलावट हो सकती है? इसमें कुछ मिलावट भी हो सकती है? इसके तथ्य निकल कर सामने आए अभी कुछ? जो संभावित चीज़ें थी जो हमें शंका प्रद लगी उनको हमने नमूने ले लिए हैं और उसमें जो भी रिपोर्ट आएगी, विश्लेषण रिपोर्ट आएगी, उसके अनुसार आगे कार्रवाई की जाएगी।